राघव ने हुकुम भानु प्रताप सिंह के सभी आदमियों को मार दिया था और उन सबको मारने के बाद राघव सीन तान कर हुकुम भानु प्रताप सिंह के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते राघव के सभी सिक्योरिटी गार्ड ढेर हो गए। अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को खून से लथपथ देखकर राघव ने घबराते हुए हुकुम भानु प्रताप सिंह की तरफ देखा तो इस वक्त हुकुम भानु प्रताप सिंह के चेहरे पर हंसी थी। हुकुम भानु प्रताप सिंह को हंसता देखकर राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो राघव के होश उड़ गए, क्योंकि उसके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चुन्नीलाल का भाई मुन्नीलाल था, जो इस वक्त अपने हाथों में बंदूक लिए राघव को मारने का इंतजार कर रहा था। मुन्नीलाल ने पलक झपकते ही राघव के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया, लेकिन उसने अपने भाई चुन्नीलाल को नहीं मारा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अपने भाई मुन्नीलाल को राघव के साथ गद्दारी करते देख चुन्नीलाल का खून खौल उठा और उसने गुस्से में अपनी बंदूक उठाई और अपने भाई मुन्नीलाल के पैरों में गोली चलाकर उसे घायल करके जमीन पर गिरा दिया। फिर चुन्नीलाल मुन्नीलाल के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया मुन्नीलाल। भैया, तुमने मेरा भाई होकर मेरे राघव सर के साथ गद्दारी की, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने राघव सर के साथ गद्दारी क्यों की? चुन्नीलाल की बात सुनकर मुन्नीलाल ने जवाब देते हुए कहा, देख चुन्नीलाल, मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों भाइयों के लिए किया है। मैं तंग आ गया था गुलामी करते करते, इसलिए मैंने हुकुम भानु प्रताप सिंह से पैसे ले लिए ताकि हम दोनों भाई आराम से अपने परिवार के साथ रह सके। आखिर हमें भी अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, क्यों हम इन बड़े लोगों की सेवा करें, क्यों इनके लिए अपनी जान जोखिम में डालें? आखिर क्या मिलेगा हमें इन लोगों की गुलामी करके? इसलिए मेरी बात मान और इस राघव को मारकर चल यहाँ से। मुन्नीलाल की बात सुनकर चुन्नीलाल ने कहा, बस इतनी सी बात, आखिर आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि जिसे आप गुलामी कह रहे हैं वो मेरी नजर में गुलामी नहीं है। राघव सर ने कभी मुझे अपना गुलाम नहीं समझा, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझा है। वो मान सम्मान जो मुझे मेरे अपनों से भी नहीं मिला, वो मान सम्मान मुझे मेरे राघव सर ने दिया है और आप कह रहे हैं कि पैसों के लिए मैं अपने राघव सर के साथ गद्दारी कर लूं। नहीं मुन्नीलाल, भैया मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और ना ही आपको ऐसा कुछ करने दूंगा, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। चुन्नीलाल की बात सुनकर मुन्नीलाल ने चौंकते हुए कहा, तू इस राघव सिंघानिया के लिए अपने भाई को मारेगा, उस भाई को जिसने तेरे साथ बचपन बिताया है? आखिर ऐसा क्या दिया है इस राघव सिंघानिया ने तुझे जो तू इसके लिए आराम की जिंदगी छोड़कर इसके पीछे पीछे घूमना चाहता है? आखिर क्या है इस राघव सिंघानिया में जो तू इसकी गुलामी छोड़कर हम सबके पास वापस नहीं आना चाहता? इतना सुनते ही चुन्नीलाल ने कहा, ये बात आप कह रहे हैं भैया, आप जानते हैं ना जब आपको पैसों की सख्त जरूरत थी और आपकी मदद करने वाला कोई नहीं था, तब मेरे राघव सर ने आपकी हेल्प की थी, आप उनका इतना बड़ा एहसान कैसे भूल गए भैया? आप जानते हैं ना राघव सर ने हमारी मुन्नी की शादी में हमारी कितनी मदद की थी? माफ करना भैया, आप उनका इतना बड़ा एहसान भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। चुन्नीलाल की बात सुनकर मुन्नीलाल ने कहा, देख चुन्नीलाल, इस वक्त तुझे उस राघव सिंघानिया के एहसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे परिवार के लिए खुशहाल जिंदगी, इसीलिए अपने परिवार को हर सुख सुविधा देने के लिए अगर मुझे इस राघव सिंघानिया को मारना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए हट जा मेरे रास्ते से चुन्नीलाल और मुझे अपना काम करने दे। आज मैं इस राघव सिंघानिया को मारकर अपने परिवार के लिए हर खुशी खरीद सकता हूँ। इतना सुनते ही चुन्नीलाल मुन्नीलाल की बंदूक के सामने आ गया और उसकी तरफ अपनी बंदूक की नोक टिकाते हुए बोला, देखिए भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने जीते जी राघव सर को कुछ नहीं होने दूंगा। जिस आदमी की वजह से मुझे पता चला है कि इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता, मैं उसी आदमी को चंद पैसों के लिए आपको नहीं मारने दूंगा। इतना कहकर चुन्नीलाल ने मुन्नीलाल की कनपटी पर अपनी बंदूक तान दी। दोनों भाइयों को ऐसे आपस में लड़ते देख हुकुम भानु प्रताप सिंह जोर जोर से हंसने लगा। हुकुम भानु प्रताप सिंह को हंसते देख राघव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कैसे आदमी हो तुम? तुमने दो भाइयों को आपस में लड़ने को मजबूर कर दिया और ऊपर से उनको लड़ता देख दांत फाड़कर हंस रहे हो।
मुझे तो समझ नहीं आता, तुम्हें हुक्म सा बनाया किसने? अगर हुक्म तुम्हारे जैसा होता है तो फिर किसी को नहीं चाहिए ऐसा हुक्म सा। राघव इतना कह ही रहा था कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली चलने की आवाज सुनकर जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि चुन्नीलाल और मुन्नीलाल दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। मुन्नीलाल को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देख राघव दौड़ता हुआ चुन्नीलाल के पास आया। वहां जाकर राघव ने देखा कि चुन्नीलाल के माथे के बीचों बीच किसी ने गोली मारी थी, जिसकी वजह से चुन्नीलाल ने जमीन पर गिरते ही अपना दम तोड़ दिया था। चुन्नीलाल को मरते देख राघव की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हाथों से चुन्नीलाल की आंखों को बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, आखिर चुन्नीलाल का ये हाल किसने किया? किसने इन दोनों भाइयों पर गोली चलाई? कौन है वो, सामने आओ। तभी राघव को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही राघव चुन्नीलाल के पास से उठा और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वक्त उसके पीछे विक्रम खड़ा था। विक्रम ने सिया की कनपट्टी पर पिस्तौल तानी हुई थी और राघव की तरफ देखकर हंस रहा था। विक्रम को सिया की कनपट्टी पर पिस्तौल तानते देख राघव ने चिल्लाकर धमकी देते हुए विक्रम से कहा, ये तू क्या कर रहा है विक्रम? छोड़ मेरी सिया को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया के करीब आने की? मैंने कहा छोड़ मेरी सिया को वरना मैं तुझे मार डालूंगा। राघव की बात सुनकर विक्रम ने हंसते हुए कहा, बस कर यार राघव, अब गुस्सा थूक भी दे मेरी जान। देख तेरे इसी गुस्से की वजह से तेरे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स मर गए और ऊपर से तेरा सबसे वफादार चुन्नीलाल भी, जो तुझे बचाने के लिए अपने भाई को मारना चाहता था और उसका भाई तुझे मारने के लिए बेताब हो रहा था। दोनों भाई इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैंने दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म कर दिया और दोनों को ही जान से मार डाला। और अब बारी है तेरी सिया की। विक्रम की बात सुनकर राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, खबरदार विक्रम, अगर तूने मेरी सिया को कुछ भी किया तो तू मुझे अच्छे से जानता है कि अगर सिया को किसी ने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए छोड़ दे मेरी सिया को और चला जा यहाँ से, वरना तुझे तेरे कर्मों की ऐसी सजा दूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। राघव की बात सुनकर विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, अबे चल हट, तू मुझे क्या सजा देगा? पहले अपने आप को तो बचा देख, तेरे पीछे मेरी कितनी बड़ी फौज खड़ी है। वैसे मानना पड़ेगा मेरे बाप को, आज तक भले ही उसने अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभाया लेकिन अभी मेरा पूरा साथ दे रहा है। देखो तो कैसे बुत बनकर चुपचाप जमीन पर पड़ा है। विक्रम की बात सुनकर राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे इस वक्त बहुत सारे आदमी खड़े थे जिनके हाथों में बंदूकें थी और सामने हुकुम भानु प्रताप सिंह बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। खुद पर इतनी बंदूक तनी देखकर भी राघव ने विक्रम से कहा, देख विक्रम, तुझे अगर मुझे मारना है तो तू मार ले, लेकिन मेरी सिया को छोड़ दे। राघव को विक्रम के सामने रिक्वेस्ट करते देख सिया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो राघव, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। अगर इसे मुझे मारना होता तो ये कब का मार चुका होता, अब तक वेट नहीं करता। लेकिन इसने मुझे जिंदा रखा है, उसके पीछे इसका अपना मकसद है और जब तक इसका वो मकसद पूरा नहीं हो जाएगा ये मुझे कुछ नहीं करेगा। इसलिए मेरी परवाह किए बिना इसके आदमियों से लड़ो और इसे दिखा दो कि राघव सिंघानिया कौन है। सिया की बात सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा इतना घमंड है तुझे अपने इस गैंगस्टर पर? तुझे लगता है वो इतने आदमियों से अकेला लड़ सकता है? वैसे मैं हुकुम भानु प्रताप सिंह नहीं हूँ जो अपने आदमियों से ये कहूँगा कि राघव सिंघानिया को डराना है, उसे मारना नहीं। मैंने तो अपने आदमियों से ये बोला है कि राघव सिंघानिया के चीथड़े उड़ा देना, उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा अलग कर देना और उसे ऐसी मौत देना कि सिया की रूह कांप जाए। इतना कहकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम की भयानक हंसी देखकर सिया डर गई और सोचते हुए अपने आप से कहने लगी, हे भगवान, कहीं सच में इस साइको ने राघव को कुछ कर दिया तो? नहीं, मैं राघव को कुछ नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ सोचना होगा वरना राघव मुझे बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देगा। आखिर क्या करने वाली है सिया? क्या सिया राघव की जान बचाने के लिए विक्रम के आगे घुटने टेक देगी या उसका मुकाबला करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम।